मैं आपको हर किसी औरत को पकड़ पकड़ के तो नहीं यहाँ हेल्प आउट कर सकती, लेकिन आप इनके किसी ना किसी मसले से रिलेट कर पाएंगी और शायद आपको इस प्रोग्राम से थोड़ी टिप्स मिल जाएं। क्योंकि अगर आप, आई नो कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो ज़रूर घर में कोई कहेगा पागल है क्या, यही चीज़ होगी पीछे से। सो मैं शुरू करती हूँ जी आपसे, यहाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डिप्रेशन में रहना कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात तो है, बुरी बात नहीं है। और अगर आप डिप्रेशन में हैं और किस वजह से हैं वो आप डिस्कस कर सकती हैं, ताकि आपकी वजह से कुछ लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके, वो उनकी दिल की बात भी अब तक। असल में सबसे मेन बेस तो शादी के बाद हस्बैंड की जॉब का होना। अच्छा। मेरे हस्बैंड डेली विजिट पे जॉब करते हैं। अच्छा। मजदूरी। अच्छा। तो कभी है कभी नहीं है। अच्छा, अच्छा मैं पापा के घर से बिल्कुल मतलब अच्छी फैमिली से आई, कभी मैंने किसी चीज़ की परेशानी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। शादी के बाद फिर मुझे फर्स्ट बेटी हुई, उसके बाद मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अब बच्ची को कैसे रखूँगी या मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो उसके बाद पापा ने और अम्मी ने यह फैसला किया कि मेरी बेटी उन्होंने रख ली। आज माशाल्लाह बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में और अभी तक अम्मी के पास ताकि है, वो इखराजात उठा सकें। उसके बाद फिर 2 साल बाद बेटा बैठा हुआ, बेटे के साथ भी यही हुआ, तीनों बच्चे मेरे सीजर से हुए। हस्बैंड की जॉब की वजह से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, आज मेरे पास एक बच्चा है और 2 बच्चे मेरी अम्मी के पास हैं। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस तक अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अम्मी ही मुझे सपोर्ट करी थी। और सबसे अहम बात तो मुझे मेरी फैमिली से ये है कि मुझे जहेज में मकान मिला है, तो मुझे मकान के किराए की या इन चीज़ों की टेंशन नहीं। आप यकीन नहीं करेंगी, उसके बावजूद भी जो ना डेली रूटीन्स जो है ना उसमें बहुत इशूज़ आ रहे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मार्बल की टाइल्स होती है ना, वो गाड़ी में लोडिंग करते हैं। अभी कल ही ऐसा हुआ, अब वो काम भी ऐसा रिस्की है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। कल ही की बात है कि पूरी गाड़ी जो है ना लियारी पे उलट गई। उसके बाद जो है वो इतनी मैं टेंशन में थी कि जब तक उनसे रबता नहीं हुआ, आप यकीन नहीं करें, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मैं अम्मी को कॉल कर रही हूँ, भाई को कॉल कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। पहले तो मुझे ये बताएं, इतने सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप दिन भर में 24 घंटे आपके पास होते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपनी सोच में अपने गुमान में क्या चीज़ चलाती हैं? क्या आप ये अपनी परेशानी को हावी करती हैं, उसके बारे में ही सोचती रहती हैं, ये मुसीबत हो गई अब कैसे होगा, अब क्या होगा? या आप ज़्यादा ये चलाती हैं कि नहीं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल दे? नहीं नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरी सबसे ज़्यादा ये होता है कि नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। क्योंकि हमेशा अम्मी ने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डेली विजिट पे नहीं होता काम। अभी तो तकरीबन मुहर्रम के बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तो अम्मी मुझे आगे से एक ही बात कहती है, बेटा इसमें भी अल्लाह की बेहतरी, पानी में भी शफा मांगो। सही बात है। तो बस ये कि प्रॉब्लम ही यही है कि अब जो मेन टेंशन जो मुझे एनी टाइम रहने लगी है वो अपनी बच्ची को लेकर रहने लगी है। ज़ाहिर है अब माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आ गई है, मेरी तो शादी कम एज में हुई थी। परेशान होकर आपको क्या मिलेगा, क्या उसके हालात बदल जाएंगे? वो तो है, पर असल में पता है क्या, पहले तो पापा थे तो मुझे सपोर्ट था, अब तो पापा नहीं है, पापा की डेथ। अल्लाह ताला कोई ना कोई तो जरिया निकालेगा ही, है ना? अल्लाह ताला मुझे मेन जो टेंशन वो ये रहती है कि 19 साल शादी को मैं कल भी खाली थी, मैं आज भी खाली हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी आप यार आप ये नहीं शुक्र अदा कर रही कि आपके पेरेंट्स तो थे, आपके 2 बच्चे उन्होंने पाले, अभी भी उनके पास हाँ, तो कभी कभार तो किसी के पास तो कोई भी नहीं होता। नहीं, मैं यही कह रही कि आप दिन भर में कभी गौर किया है कि आपके अंदर ज्यादातर क्या चल रहा है, किस चीज को आप ज्यादा दोहरा रही हैं, अपने गुमानों में क्या चीज रखती हैं? बता दिया ना नेगेटिव कि मैं कल भी खाली थी, मैं आज भी खाली। मतलब आप नेगेटिव ज्यादा चलाती हैं। जो था वो आपका वो यही है कि मैं कल भी खाली। आपने कभी देखा कि आप कितनी खाली थी? कल आपके पास पेरेंट्स थे, ठीक है, आपकी शादी हुई, आपके यहाँ बच्चा हुआ, उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उस बच्ची को पाला, आपने दूसरा बच्चा अटेम्प्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे अगर हालात नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं करो। जी जी, चाहते माँ बाप आपको ये दे सकते थे, उन्होंने आपने 3 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे उन्होंने पाल लिए, आप कहाँ से खाली हैं? मेरे पास तो मेरी माँ भी नहीं थी, मेरे पास तो मेरी बेटी को बड़ा करने के लिए, उसको छोटी छोटी दुआएं, उसको छोटी छोटी बातें बताने के लिए मेरी माँ नहीं थी। दूसरी बात, सारे इंपॉर्टेंट बात, अल्लाह मियां ने इनको 3 बच्चे दिए, लोगों के पास औलाद नहीं, बड़े होके आपका बाजू बनेंगे आपके 3 बच्चे हैं भाई,
नहीं देखिए, पॉजिटिव सोचना आसान काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, वो भी इसलिए क्योंकि बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता, हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि जी तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे बैठना है, तुमने ऐसे खाना है, तुमने ऐसे बात करनी है, तुमने ये, हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुमने सोचना कैसे है, तुमने कितना स्ट्रांग अपने आप को अंदर से रखना है, हालात जैसे भी हों अपने आप को स्टेबल रखना है, अच्छी सोच को पकड़ के चलना है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, हमें कभी किसी ने अपनी सोचों पे काम करने का बताया नहीं। और आपको पता है अल्लाह ताला हमें हमें हमारे गुमान से ही देता है, हम जो कुछ अपने गुमान में चलाते हैं जितना ज़्यादा उस थॉट को चलाएंगे वो उतनी पक्की होगी और वो थॉट रियलिटी की शक्ल इख्तियार। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.